मेरा नाम ब्रिगेडियर रिटायर्ड परवेज खालिद बाबर है। मैं जनवरी 2017 में बतौर प्रिंसिपल फ्रंटियर स्काउट्स कैडेट कॉलेज वारसक तैनात हुआ। ये कॉलेज अप्रैल 2009 में शुरू हुआ। जो इसकी फर्स्ट एंट्री थी वो 83 या 83 कैडेट्स पर मुश्तमिल थी। अभी तक 12th एंट्री ज़ेरे तालीम है इस कॉलेज में। इदारा अपने बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक मॉडल की वजह से दूसरे ऐसे इदारों से अपनी नियत में मुनफरिद है, मुख्तलिफ है। इसलिए कि इसके बेसिक कॉन्सेप्ट या बेसिक मॉडल में उस वक़्त जब ये कंसीव हुआ 2002 में, उस वक़्त आजकल जिसको हम एक्स फाटा कहेंगे या ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट कहेंगे, वो फिर फ्रंटियर कोर के जवान जो शहीद हुए उनके बच्चे, ये उनके लिए प्राइमरीली बना। और साथ साथ उस वक्त ये भी एक ख्याल था कि जो एक्स फाटा या जो अभी कबायली अजला हैं, इनका जो मजदूर तबका है, लेबर तबका है, जो बाहर अरब ममालिक में मजदूरी करता है, जिनके बच्चों को अच्छे तालीमी अदारे मैसर नहीं थे, उनकी भी मदद की जाए। सो ये एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया। वो चलते चलते अभी इसको 11 साल हो चुके हुए बने हुए। इसमें कुछ खसूसियात हैं जो मैं स्पेल आउट करना चाहूँगा। सबसे पहले जो हमारे ये तीन तबके जो मैंने बताए, इनके लिए एक कोटा सिस्टम है। एक्स फाटा के लिए 10%, फ्रंटियर कोर के जवानों के लिए 10% और फ्रंटियर कोर के शहदा के लिए भी 10% है। जो फ्रंटियर कोर के शहदा के बच्चे हैं उनके लिए तालीम बिल्कुल मुफ्त है 8वीं से लेकर एफएससी तक। जो फ्रंटियर कोर के जवान हैं, चाहे वो सर्विंग हैं, रिटायर्ड हैं, उनके लिए ट्यूशन फीस माफ़ है, मगर एट द टाइम ऑफ एडमिशन भी हम उनसे ना एडमिशन फ़ी लेते हैं, ना मेंटेनेंस फ़ी लेते हैं, ना सिक्योरिटी लेते हैं। और इसी तरीके से इनको सिक्योरिटी भी माफ़ है। इस कॉलेज में ऐसे बच्चों को तरजीह दी जाती है, बल्कि मैं कहता हूँ कि उनको, ऐसे बच्चों को हम तालीम दे रहे हैं ज़्यादातर, जिनको अच्छे तालीमी इदारों तक रसाई हासिल नहीं थी, उनको हम यहाँ तालीम देते हैं। दूसरा ये है कि जो नॉर्मल तालीमी सरगर्मियाँ हैं, जो जिसको हम एकेडमिक्स एक्टिविटीज़ कहते हैं, उनके साथ साथ इस कॉलेज में तरबियत पर, शख्सियत की नशोनुमा के ऊपर, या जिसको हम नॉर्मल पर्सनालिटी ग्रूमिंग कहते हैं, पर्सनालिटी डेवलप कहते हैं, उसके ऊपर बहुत ज़ोर है, बहुत ज़ोर है। और उसके लिए मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ क्रिएट की गई हैं कॉलेज के अंदर, जिसमें से एक को-करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं। तो ताकि फिर उसके बाद जो इनका हाउस के अंदर रहना है उसके तौर तरीके, सो इन सब को मिला के हमारा फोकस इक्वली जो है वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर भी है। Thank you.
मैं कैडेट सैफ अली खान कॉलेज कमांडर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। मैंने फ्रंटियर स्काउट्स कैडेट कॉलेज वर्सक में मुरखा 16 अप्रैल 2016 को शमूलियत इख्तियार की। कैडेट कॉलेज वर्सक मुल्क के बेहतरीन कैडेट कॉलेजेस में से शुमार होता है। इस कॉलेज में रहते हुए मैंने बहुत सी अच्छी चीज़ें सीखी। कैडेट्स के तालीमी प्रोग्रेस के साथ साथ ये कॉलेज कैडेट्स की शख्सियत की नशोनुमा पर भी बहुत ज़्यादा तवज्जो देता है। ये कॉलेज पसमानदा इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले तालिबे इल्मों को, जो कि अच्छे तालीमी इदारों तक रसाई नहीं रखते, को मयारी तालीम के मसावी मौके फराहम करता है, जिसमें फ्रंटियर कोर, कबायली अजला और शहदा के बच्चे शामिल हैं। तकमील कोर्स के बाद इस कॉलेज के बहुत सारे कैडेट्स या तो फ़ौज में बतौर कमीशन ऑफिसर या फिर प्रोफेशनल कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल कर रहे हैं। मैं अपने आप को मुकम्मल तौर पर खुशकिस्मत तसव्वुर करता हूँ कि मैं वर्सकियन हूँ। कैडेट कॉलेज वर्सक जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हमारे कैडेट कॉलेज वर्सक में क्लासेस के औकात के बाद हॉस्टल्स या हाउसेज का बहुत ज़्यादा अहम किरदार होता है। हमारे कैडेट कॉलेज वर्सक में 4 हाउसेज हैं, जिसमें से सीनियर मोस्ट हाउस शहीद हाउस है, उसके बाद शेरशाह हाउस, इसके बाद इकबाल हाउस और फिर उसके बाद जिना हाउस है। हाउस मास्टर और डिप्टी हाउस मास्टर हर हाउस में मौजूद होते हैं और इनका कैडेट्स की किरदार साजी और उनकी तालीम तरबियत में बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। मगरिब की नमाज के बाद हमारी पहली प्रेप स्टार्ट होती है, और जिसमें हाउस मास्टर कैडेट्स हाउसेज में राउंड लगाते हैं। अगर उनको कोई तालीम में कोई मसला हो तो टीचर को बुला लेते हैं ताकि उनकी मदद की जा सके। उसके बाद ईशा की नमाज होती है, और ईशा की नमाज के बाद डिनर होता है, और डिनर के 15 मिनट के बाद हमारी दूसरी प्रेप स्टार्ट हो जाती है, जिसमें दोबारा से हाउस मास्टर या डिप्टी हाउस मास्टर जो है ना, बच्चे को हाउस में राउंड लगाते हैं, और अगर उनको दोबारा से कोई मसला हो उनकी इंतज़ामी अमूर में, अगर कोई बीमार हो, कोई किसी किस्म का भी मसला हो उनको, तो वो उनकी मदद करते हैं। 4 हाउसेस जो मैंने आपको पहले बताए हैं, इनके मबैन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नसाबी और गैर नसाबी मुकाबलों का इनेकाद किया जाता है, जिसमें कैडेट्स बहुत ही ज़ोक व शौक से हिस्सा लेते हैं, जिनमें क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, क्रॉस कंट्री, इसके अलावा नात, किरत, इंग्लिश एंड उर्दू डिबेट्स के मुकाबलों का इनेकाद किया जाता है। इसके अलावा क्लीनिनेस कंपटीशन का इनेकाद भी किया जाता है, और बच्चों की ड्रिल का मुकाबले का इनेकाद भी किया जाता है, और आखिर में बेहतरीन हाउस को आला हाउस या चैम्पियन हाउस का खिताब दिया जाता है। आजकल हम 13th एंट्री के इनटेक के प्रोसेस में बिजी हैं। 70% उनकी जो इनटेक है वो उसका प्रोसेस हो चुका है। इंशाल्लाह अप्रैल में 13th एंट्री भी, जो कि 120 कैडेट्स के ऊपर मुश्तमिल होगी। एक ज़रूरी बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि जो ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, इसकी सूरत में ऐसे बच्चे जो हमारे पास आते हैं जिनको अच्छे तालीमी इदारों में तालीम नहीं मैसर होती है, वो जब यहाँ आते हैं तो वो बहुत मुख्तलिफ होते हैं, मगर जब वो यहाँ से तालीम मुकम्मल कर लेते हैं, एफएससी मुकम्मल कर लेते हैं, उनकी शख्सियत बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। साथ साथ मैं ये बताता चलूँ कि इस कॉलेज के कैडेट्स, इस कॉलेज के सपूत इस वक्त आर्म्ड फोर्सेस में हैं, या पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी, पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी, नेवल एकेडमी में, एएमसी में, आर्मी मेडिकल कॉलेज में इस वक्त खासी तादाद में ज़ेर तरबियत हैं, या फिर जैसे मैंने कहा कि आर्म्ड फोर्सेस में वो अपने अपनी यूनिट्स में अपने अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा जितने भी मुल्क के प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें भी खासी तादाद में इस कॉलेज से तरबियत याफ्ता कैडेट्स तालीम हासिल कर रहे हैं। हमारे लिए एक बहुत बड़ी फख्र की बात यह है कि इसी कॉलेज से तरबियत याफ्ता एक कैडेट, वो इस वक्त पीएमए में थे और
پی ایم اے سے ان کی سلیکشن ہوئی ہے اور اس وقت رائل ملٹری اکیڈمی سینڈرز میں زیر تربیت ہیں. سو یہ اس کالج کا اوور آل ایک خاکہ ہے جسے میں آپ کو متعارف کرانا چاہتا تھا, اور انشاءاللہ ہماری آئندہ بھی یہ کوشش رہے گی کہ اس کالج کے کیڈیٹس بہتر سے بہتر انسان بن جائیں اور بہتر سے بہتر شہری بنیں تاکہ وہ اس ملک اور قوم کی خدمت کر سکیں.